ये है कनाडा का किचन, कितना अच्छा सफ़ेद सफ़ेद। पर जो लोग आते हैं यहाँ नए नए, उन लोगों को रेंट पे लेना होता है ये किचन। पूरा घर, खाली किचन नहीं होता है कभी, तो पूरा घर जो रेंट पे लेते हैं उन लोग को ये ऐसा मस्त वाइट किचन मिलता है। एवरी वन इज़ वेरी हैप्पी टू सी दिस, बट इंडियंस विल हैव सम प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट हम लोग जब भी खाना बनाते हैं तो हमारे खाने में हल्दी का उपयोग बहुत ही ज़्यादा होता है। फिर ये किचन येलो येलो हो जाता है तो अपने पे आ जाता है। इसलिए मैंने तो ये देखिए फॉइल लगा दिया है, क्योंकि ये रेंटेड हाउस है तो हर हफ्ते में ये फॉइल निकाल देते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो येलो दाग हो ही जाता है, ये देखिए। दूसरा प्रॉब्लम होता है कि किचन में अपनी इंडियन तवी, ये जो तवी होती है, एक तो यहाँ बड़ा बर्नर होता है, ये बर्नर पे हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि ये सब पार्ट बहुत ही गर्म हो जाता है, यहाँ फास्ट बर्नर नहीं लगा सकते हैं। तो स्लो गैस पे रखना पड़ता है, और जैसे ही मैंने ये स्लो गैस पे रखा तो आप देखो ये तवी ऐसी हो गई डामाडोल, डोलती ही रहती। तो जो भी कनाडा आए प्लीज़ रोटी की तवी ऐसी मत लेके आना, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। प्रॉब्लम मतलब जो लोग किचन में काम करते हैं उनको मालूम है कितना इरिटेशन होता है। फिर मैंने इसके लिए रखा है ये स्टैंड, जिसको मैं इस तरह से रखती हूँ स्टैंड के नीचे, और फिर रखती हूँ, पर फिर भी ये होता है। ये स्टैंड का काम इसलिए होता है, अगर हमने ऐसे स्टैंड रखा तो रोटी फुलाने में अच्छा आसान हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से गैस और स्लो हो जाता है, रोटी और कम टाइम लेने के बदले और ज़्यादा वक्त लेती है पकने के लिए। तो देर आर ड्रॉबैक्स ऑफ दिस, सो यू विल हैव टू बी टेक केयर ऑफ इट। जब अपना घर हो जाए तो पूरा ग्लास का स्टोव ले लेने का, देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, देन इट इज़ मच मोर फास्टर एंड क्लीन। मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे यहाँ, मैं चाय बनाती हूँ, फिर मैं अपना काम करती हूँ, तब तक चाय उबल जाती है और गिर जाती है, तो हर दूसरे दिन मुझे साफ़ करना पड़ता है पूरा बर्नर निकाल निकाल के। इट्स वेरी इजी, वैसे ये गर्म नहीं है शायद, ये देखिए ये निकाला यहाँ से, ये निकाला और यहाँ साफ कर दिया। रख दिया, ये लगा दिया, ये निकाला और ये रख दिया। पर अगर चाय गिरी हुई है और फिर से गैस चालू किया तो उसकी बदबू इतनी गंदी आती है, तो यू विल हैव टू फर्स्ट क्लीन दिस एरिया, देन यू कैन पुट एनीथिंग एल्स टू कुक। आई होप यू विल गेट सम मोर नॉलेज अबाउट इट। थैंक यू।